आज देखते हैं न्यू चैप्टर है इंटरनेशनल बिजनेस। आपके एग्जाम में 10 मार्क्स तक का वेटेज रखता है ये चैप्टर इंटरनेशनल बिजनेस। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर आपके दो पार्ट्स जुड़े हुए हैं। देखा जाए तो जो 11th क्लास के अंदर चैप्टर है इसमें दो पार्ट इंटरनेशनल बिजनेस है और इसी के साथ हमारा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी हमारा है। लेकिन आज जो हम इसके अंदर कवर्ड करेंगे वो इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में सिर्फ बात करेंगे। इंटरनेशनल बिजनेस में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, इंटरनेशनल बिजनेस के क्या क्या फीचर्स हैं, इसके क्या क्या स्कोप है, क्या क्या बेनिफिट है और इंटरनेशनल बिजनेस करने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल आपके बिजनेस होते क्या है, ऐसा क्या एक्टिविटी करोगे तो इसको बोला जाएगा कि आपने इंटरनेशनल बिजनेस किया है। सिंपल से लैंग्वेज में अगर बताऊं, जैसे मान लेते हैं कि एक हमारा इंडिया है। अब इंडिया के अंदर कहीं से भी इंडिया और इसके साथ में मान लेते हैं कि यूएसए है, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया सिर्फ यूएसए से बिजनेस करेगा तो उसको इंटरनेशनल बिजनेस बोलेंगे। इंडिया के साथ में कुछ ऐसे पड़ोसी देश भी हैं जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, यानी हम अपने कंट्री अपने नेशन को छोड़कर किसी और के साथ व्यापार करेंगे तो उसे इंटरनेशनल बिजनेस बोला जाएगा। अब ऐसा क्या है, ऐसा क्यों करा जाता है? देखो 1991 में जब मनमोहन सिंह हमारा फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करता था तो 1991 से पहले इंडिया जो है वो बहुत ही ज्यादा देखा जाए तो बुरे कंडीशन से गुजर रहा था। उस टाइम पे बहुत बुरे दौर से था तो मनमोहन सिंह ने आते ही सबसे पहले लिबरलाइजेशन किया, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ग्लोबलाइजेशन किया। तो उस टाइम पे ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि हम एक कंट्री दूसरे कंट्री से जब कनेक्टेड होगा तो हमारा जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमिक का क्या होगा, ग्रोथ होगा। कहीं ना कहीं हमारे देश में या किसी भी कंट्री में अगर वो गरीब है तो रीजन सिर्फ एक है, अनएम्प्लॉयमेंट। अगर उस देश के सभी नागरिक को अगर रोजगार दिया जाए तो वो देश कभी गरीब हो ही नहीं सकता। मेन मुद्दा तो यही रहता है कि अगर एम्प्लॉयड है तो गरीब किस, गरीब तो वही है जो कि अपना पूरा जो है बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाता। तो सेम जब इंडिया और यूएसए आपस में बिजनेस करेंगे तो उसे बिजनेस को हम नाम देंगे इंटरनेशनल बिजनेस। अगर मान लो दिल्ली पंजाब के साथ बिजनेस करता है तो उसे बोलते हैं नेशनल बिजनेस। यानी विद इन अ कंट्री जब हम कोई बिजनेस करेंगे तो वो होगा हमारा नेशनल, और कंट्री के बाहर जब जाके करेंगे तो वो होगा इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर सिर्फ आप अमेरिका इंग्लैंड मत सोचना, कोई भी एक्स वाई जेड कंट्री हो सकता है। तो इससे बिजनेस करने का मतलब दोनों चीजें हो सकता है, हम यहां से इसको सामान बेच भी सकते हैं, सोल्ड भी किया जा सकता है, और यूएसए भी हमें सोल्ड कर सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम सोचेंगे सारे पॉइंट्स, पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया। यूएसए वाले क्या अपने बिजनेस स्टडी में लिखेंगे, वहां के बच्चे उनकी मर्जी है, हमें उससे लेना देना नहीं है, हम तो इंडिया के सोचेंगे। तो इंडिया जब भेज रहा है यूएसए में सामान तो इसको बोलते हैं हम एक्सपोर्ट, इसको बोला जाता है एक्सपोर्ट। और जब इंडिया के अंदर सामान आ रहा है तो इसको बोलते हैं इंपोर्ट, ठीक है। तो जब कभी भी इंटरनेशनल बिजनेस होगा तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होना तो तय है। अब जब सामान भेजा जाए या लाया जाए इसके तीन रास्ते हैं, एक तो बाय आपका रोड जाए जो कि पॉसिबल नहीं है, या फिर बाय एयर जाए, या बाय शिप आए यानी समुद्री मार्ग से होके आए। तो ये रास्ते हैं, वो हम देखेंगे जब हम देखेंगे प्रोसीजर। हमारे एग्जाम के इस पॉइंट में हम ये भी पढ़ेंगे कि हम जब किसी को माल बेचेंगे तो उससे पहले हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, वो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और जब माल खरीदेंगे तब भी हमें नियमों का पालन करना है, ऐसा नहीं कि हम गए यूएसए से माल खरीद के ला के इंडिया में बेच दिया, ऐसा कभी नहीं होता। इंडियन गवर्नमेंट क्या करता है, हर किसी को खरीदने या बेचने के लिए अपने कानून बनाए हुए हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि जब ये और ये कंट्री आपस में डील करता है तो उसके क्या क्या फीचर, ऐसा क्या एक्टिविटी आप देखो कि आपको लग जाए कि भाई एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ काम कर रहा है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल बिजनेस का नेचर या फिर उसको फीचर भी बोल सकते हो। सबसे पहले दो कंट्री का होना बहुत जरूरी है। दो कंपनी, मैंने कंपनी लिख दिया, दो कंट्री,
दो कंट्री का होना बहुत जरूरी है। दो कंट्री कौन सा? कोई भी हो सकता है, लेकिन एक तो फिक्स है, भारत होगा, और दूसरा कोई भी हो सकता है दो कंट्री का। तो एक फीचर ये है हमारा कि जब कभी भी इंटरनेशनल उसी बिजनेस को बोला जाएगा जहां पे दो कंट्री इन्वॉल्व होगा, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम कितने होने चाहिए? दो। इसके बाद इसके भाई क्या रीजन है कि हम इससे सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं? क्योंकि इंडिया किसी ना किसी चीज में एक्सपर्ट है, यूएसए किसी ना किसी चीज में एक्सपर्ट है। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल लूं तो इंडिया जो है वो मान लेते हैं खाने पीने की चीजें या वाटर की चीजें बनाता है, और सेम मैं अगर दुबई दुबई या सऊदी अरब की बात करूं तो वो एक्सपर्टीज किस में है? पेट्रोल ऑयल के अंदर, ठीक है ना? ऑयल वगैरह पेट्रोल वगैरह के अंदर सबसे ज्यादा काम ईरान इराक में होता है। तो इंडिया के पास इतना पेट्रोल है नहीं, तो इंडिया क्या करेगा? दुबई वाले से ये डील करेगा कि भाई तुम हमें पेट्रोल दो और हम आपको क्या देंगे? अपने यहाँ का गुड्स देंगे, बेचेंगे। तो इस तरीके से डील होगा। इससे फायदा क्या होगा इंडिया को? अगर इंडिया खुद ही पेट्रोल निकाले, तो मान लो पेट्रोल यहाँ पे 100 स्टूडेंट को पेट्रोल की जरूरत है और पेट्रोल ही 80 लीटर निकला, तो मैं पेट्रोल का रेट बढ़ा दूंगा तो जिसको पसंद आएगा वो ले लेगा। तो बहुत सारे कारण हैं, मैनी बेसिस का मतलब बहुत सारे कारण हैं कि हमें एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना पड़ता है। जैसे सबसे पहला मुद्दा हमारा कारण हो सकता है रिसोर्स। वहां के रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स कहीं का ज्यादा बेटर है, कहीं का कम है, तो उसको बेटर यूटिलाइज करने के लिए। दूसरा हमारा कॉस्ट है। जब थ्योरी आप लिखोगे तो उसके अंदर ये दो वर्ड जरूर होना चाहिए कि बेसिस इसलिए माना गया क्योंकि वहां पे हमारे नेचुरल रिसोर्सेस दूसरे कंट्री में अगर बेटर है तो हमें उससे ले लेना चाहिए, और जहां ज्यादा है वहां का कॉस्ट क्या आएगा? कम आएगा। जैसे मैं अगर मैं बात करूं कोकोनट का, तो कोकोनट कहाँ पे होता है सबसे ज्यादा? इंडिया के अंदर ज्यादा नहीं है, वैसे केरल साइड है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। तो आपका मलेशिया, मलेशिया में सबसे ज्यादा कोकोनट पाया जाता है। तो हम क्या करते हैं, कोकोनट उससे क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। पान के पत्ते अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से मंगवाया जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं एग्जाम्पल जो कि हम ट्रेड करते हैं। तो जिस कंपनी में बहुत ज्यादा है वो तो फेंक रहे हैं इधर उधर, तो वो बोलते हैं यार फेंक रहे हैं, इससे अच्छा दूसरी कंट्री को बेच देते हैं। दूसरी कंट्री को क्या करते हैं? वो सस्ते रेट पे बेचते हैं। तो मैंने वहां से कोकोनट खरीदा तो मुझे सस्ता पड़ा, और अगर मैं अपने कंट्री में ही उसको ग्रो करता हूं तो वो क्या पड़ रहा है? मुझे महंगा पड़ रहा है। तो एक तो कॉस्ट हमारा कम पड़ेगा जब दूसरी कंट्री से सामान खरीदेंगे, दूसरा जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है उसको अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। तीसरा है लैंग्वेज डिफरेंस। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप दो कंट्री के साथ जुड़ोगे, चाहे कोई भी कंट्री हो, उनके लैंग्वेज डिफरेंट होंगे हमेशा। अगर लैंग्वेज आपको जिस कंट्री के साथ आप काम कर रहे हो, अगर उस कंट्री का आपको लैंग्वेज अच्छे से पता है, तो आप एक अच्छे इंटरनेशनल बिजनेसमैन माने जाओगे। अगर वहां की लैंग्वेज ही नहीं समझ में आता तो आप वहां के अच्छे इंटरनेशनल बिजनेसमैन नहीं माने जाओगे। लैंग्वेज की मैं बात करूं तो हमारा इंटरनेशनल लैंग्वेज क्या आ जाता है? इंग्लिश बोला जाता है हर जगह पे, तो ज्यादातर इंग्लिश है। लेकिन कई कंट्री ऐसे भी हैं, जैसे कि मैं बात करूं रशिया, रशिया में सबको इंग्लिश बोलना नहीं आता। जापान, जापान के अंदर सबको इंग्लिश नहीं बोलता, वहां की गवर्नमेंट ने अपने लैंग्वेज को प्रमोट किया हुआ है। तो लैंग्वेज डिफरेंट मिलेगा। मैं फीचर बता रहा हूं, एक कंपनी दूसरे कंपनी से जब व्यापार करेगा तो क्या होगा? दो कंट्री होगी अलग-अलग, दूसरा आप वहां के रिसोर्स कॉस्ट वगैरह यूज कर पाओगे, तीसरा वहां के लैंग्वेजेस क्या होंगे आपके? अलग होगा। इसके बाद मोर रिस्की, एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना ना एक रिस्की होता है। रिस्की क्या है? क्योंकि अगर समुद्री रास्ते से सामान हम मंगवाते हैं या भेजते हैं तो बीच में बहुत सारे ऐसे, जैसे कि समुद्र में मान लो तूफान आ गया, या किसी आइसलैंड से शिप क्या हो गया, क्रैश हो जाता है, या किसी भी दुर्घटना हो जाता है, तो उस सिचुएशन में मेरा जो गुड्स है वो सारा का सारा तो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। तो एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू रिस्की है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू रिस्की क्या है कि हम वहां के कंट्री के लोगों को जानते नहीं है, वो हमारे पैसे टाइम पे देगा या नहीं देगा। तो ये भी हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ख्याल आएगा कि इस तरीके से हमारा ये रिस्की है। इसके बाद क्या है हमारा? गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी अगर हम कोई सामान मंगवाते हैं या कोई सामान भेजते हैं तो गवर्नमेंट की हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर मंगवाते हैं तो इंपोर्ट लाइसेंस लेना होगा, अगर हम भेजेंगे तो एक्सपोर्ट लाइसेंस। तो लाइसेंस यानी गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मतलब गवर्नमेंट का भी हस्तक्षेप इसमें रहेगा। इसके बाद कहते हैं पेमेंट इन फॉरेन करेंसी, हमें जो पेमेंट करना होता है वो करना होता है फॉरेन करेंसी में।
अब फॉरेन करेंसी कौन सा होता है? आप जिस कंट्री के साथ डील कर रहे हो उसी करेंसी में उसको पेमेंट करना है। लेकिन कुछ ऐसी करेंसी है जिसका हर जगह पे लिया जाता है, एक्सेप्टेबल है। जैसे मैं बात करूं डॉलर, तो डॉलर किसी भी कंट्री में वहां के जो बिजनेसमैन है वो इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। तो अगर मैं मान लो कहीं पे भी डील करता हूं तो डॉलर में पेमेंट करना चाहूं तो वहां एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन बाय चांस मान लो आपका इंग्लैंड में करेंसी कौन सा चलता है? पाउंड चलता है। तो वहां पे बोल रहे हैं कि भाई डॉलर तो चलता है वैसे, नो डाउट, लेकिन वो बोलते हैं कि भाई हम तो पाउंड में लेंगे, तो हमें उसमें किस में देना पड़ेगा? पाउंड में पेमेंट देना पड़ेगा। और वो जब हमें देंगे तो हम बोलेंगे हमें फिर किस में दो? रुपीज में दो। तो रुपीज को INR बोला जाता है, और पाउंड को तो पाउंड या डॉलर, सिंबल भी आपको पता होगा थोड़े बहुत, तो नॉर्मल है। तो ये क्या है हमारे फीचर? फीचर नंबर वन, दो कंट्री होगा। नंबर टू, रिसोर्स के बेसिस पे हो रहा है हमारा, बहुत सारे बेसिस है, अरे कॉस्ट इफेक्टिव। नंबर थ्री, डिफरेंट लैंग्वेज। नंबर चार आपका, मोर रिस्की। रिस्की क्यों? क्योंकि माल को ले भेजना और लाना बहुत रिस्की होता है। नंबर पांच, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन। नंबर छह आपका लास्ट, पेमेंट हम किस में करेंगे या रिसीव किस में करेंगे? फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी का मतलब होता है उस देश के रुपया को करेंसी बोला जाता है, सिंपल। फॉरेन का मतलब एक देश से दूसरे देश का। अब बेनिफिट्स की बात करें तो जब हम फॉरेन इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं ना, तो हमारा तो फायदा होता ही होता है, साथ के साथ देश का भी फायदा होता है। तो हमें दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बेनिफिट्स बताने, एक देश के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्म का मतलब यहां पे, फर्म का मतलब पार्टनरशिप फर्म नहीं है, कंपनी हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, आपका AOP हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI, बॉडी ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सारी चीजें ये उनके लिए हो सकता है। तो अगर मैं नेशन की बात करूं बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, हमेशा कहा जाता है कि जिस कंट्री के पास जितना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज होगा उस कंट्री का ग्रोथ बहुत जल्दी से बढ़ेगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, कर्जा ले लेते हैं। जैसे मान लो मुझे अगर 1 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है भारत को, तो भारत उधार लेगा किससे? बाहर की कंट्री से लेगा, वर्ल्ड बैंक से लेगा, तो वो डॉलर में देगा, तो हमें रिटर्न भी किसमें करने हैं? उसको डॉलर में। तो हमारे पास, जैसे मैंने क्या करा, एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, वहां से डॉलर आए जा रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, अपने पास डॉलर जमा कर रहा है, बदले में आपको INR देगा, वो रुपया देगा, लेकिन गवर्नमेंट के पास डॉलर क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे इकट्ठा। तो जितना ज्यादा फॉरेन करेंसी हमारे पास होगा, हमारा दबदबा उतना ज्यादा बनेगा उस कंट्री के ऊपर। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट के पास फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा होगा तो बेटर है। एक तो ये फायदा रहता है हमेशा हर एक कंट्री को। मोर एफिशिएंट रिसोर्स, फिर से मैं बात करूं, जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब हम डील करेंगे तो हमारे रिसोर्सेस अच्छे से यूज हो गए। सपोज करो भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसका हम यूज नहीं करते, हम बोलते हैं हमारे लिए तो स्क्रैप है भाई, फेंक दो। लेकिन क्या पता USA वाले बोलते हैं ये तो बड़ी महंगी चीज है, वो खरीद ले। तो जो रिसोर्स हमारे लिए बेकार है उसके लिए यूजेबल है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने रिसोर्स का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जैसे कि मोर एफिशिएंट रिसोर्स, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। अब यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट है, तो मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं तो अमेरिका के अंदर न्यूज़पेपर है, अमेरिका का न्यूज़पेपर जितना भी है वो सारा का सारा प्रिंट जो होता है, न्यूज़पेपर प्रिंट होके ही निकलेगा, तो प्रिंट अमेरिका में होता है नो डाउट, लेकिन उसकी टाइपिंग जो होती है ना वो इंडिया के अंदर ही किया जाता है। बेंगलोर के अंदर जितने भी अमेरिका के न्यूज़पेपर है वो बेंगलोर के अंदर क्या होता है, उसकी टाइपिंग होती है। और प्रिंटिंग कहाँ होता है, कैसे टाइप सारा कर लिया, सारी टीम है पूरी बैठी हुई इंडिया के अंदर, सारा टाइप करा, उसको क्या करा फॉर्मेट में बना के वहां मेल कर दिया, और वहां पे उन्होंने क्या करा फटाफट डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल दिया। भाई अमेरिका वालों ने ऐसा क्यों करा, इंडिया वाले से क्यों टाइप करवाते हैं? रीजन है, उनको सस्ता पड़ता है। यहाँ वहां पे एम्प्लॉय लेंगे, मान लो अगर बहुत ही रेयर एम्प्लॉय मैंने लिया तो मुझे मिला मान लेते हैं $5,000 का, 5,000 जो अगर डॉलर महीने का लेता है, 5 नहीं तो 3,000 मान लेते हैं, $3,000 लेता है, तब भी 2,10,000 रुपए मुझे देने पड़ रहे हैं, 70,000 रुपए हिसाब से। अमेरिका के अंदर
अमेरिका के न्यूज़पेपर में अगर वहां पे टाइपिंग कराएगा, तो एक व्यक्ति को मैंने बोला भाई टाइप करना है आपने, तो वो मुझसे सैलरी कितना लेगा? अगर 3,000 रुपये भी लेता है महीने के, तो महीने के 2-10 ले रहा है। इंडिया में मैंने बोला भाई 70,000 रुपये दूंगा टाइपिंग करेगा, तो इंडिया में किसी व्यक्ति को टाइपिंग के 70,000 मिल रहे हैं, तो वो बोलेगा सबसे इससे अच्छी तो नौकरी कोई है ही नहीं। तो इससे क्या होता है, इंडिया में कम पैसे दे के वो टाइप करवाते हैं और वहां पे प्रिंट आउट कर लेते हैं। दूसरा, बहुत सारी अकाउंटिंग भी है जो इंडिया के अंदर, जैसे कुछ कंपनी के नाम बताऊं, एक्सचेंजर, ये एक ऐसी कंपनी है जो क्या करती है, बाहर वालों का जैसे कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करती है, बोलती है आपकी जर्नल एंट्री हम करेंगे, वहां की कंपनी क्या करती है जितने भी वाउचर है वो स्कैन करके इंडिया में भेज देती है और इंडिया के अकाउंटेंट उसको जर्नल एंट्री करके वहां भेज देता है। इससे बेनिफिट क्या हुआ, अगेन वही रीजन रहेगा क्या, सैलरी। तो जब हम एक दूसरे देश से व्यापार करेंगे तो इंडिया का फायदा हुआ या नहीं हुआ, बेनिफिट हुआ, एम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, मिल गया और डॉलर में भी पैसे आने लग गए, तो एक तो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट होगा। दूसरा, इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब जिस तरीके से आप अगर बाहर की चीजों को यूज करने लगोगे, बाहर जाओगे, इंटरनेशनली ट्रेड करोगे, तो वो अगर किसी डेवलप कंट्री के अंदर आप ज्यादा घूमोगे तो आपको उसी की आदत लग जाएगी। अगर वहां पे आप सारी चीजें देखते हो तो इंडिया के अंदर भी सोचोगे अब वहां जैसा किया था वही काम हम यहाँ पे करें, तो इंक्रीज स्टैंडर्ड लिविंग, आपका रहन सहन का तरीका भी क्या होगा, बिल्कुल बदल जाएगा। तो सबसे पहले हमने देखा नेचर, नेचर के कितने पॉइंट थे हमारे, टोटल 6। सबसे पहले क्या था, 2 कंट्री इन्वॉल्व होगा, कॉस्ट रिसोर्स अच्छे से बेसिस पे यूज होगा, लैंग्वेज अलग होगा, गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगा, आपका फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट होगा इसका, और एक रिस्की है। इसके अंदर देखा सबसे पहले हमारा क्या था, फॉरेन एक्सचेंज होगा, दूसरा रिसोर्स का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। कैसे, मैंने इसने बोला रिसोर्स को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, बता सकते हो क्या? क्योंकि जो चीजें इंडिया के लिए यूजलेस है दूसरी कंट्री के लिए यूजेबल है, तो हम दे देंगे भाई, लो और हमें पेमेंट दो। इसके बाद बात करें एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट कैसे, हमें सस्ते रेट पे किसी कंट्री को लगता है कि हमें यहां से सस्ता एम्प्लॉय पड़ सकता है, तो वो हमसे क्या करेंगे, हायर करेंगे और हमसे काम करवाएंगे। इसके बाद इंक्रीजिंग, आपका इंक्रीज हो जाएगा लिविंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड रहन सहन का तरीका इंक्रीज होगा। अब बात करते हैं किसके प्रोस्पेक्टिव के, फर्म के, फर्म यानी बिजनेसमैन, फर्म में पार्टनरशिप फर्म मत समझना। अगर देखो सबसे पहले हायर प्रॉफिट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के काम में बहुत ज्यादा मुनाफा होता है, आपने देखा होगा बिजनेसमैन यार बहुत जल्दी पैसे बन गया, पैसे वाला बन गया, तो सुना होगा कहीं ना कहीं यार ये उसका तो इंपोर्ट का काम है, उसका तो एक्सपोर्ट का काम है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है। नंबर 2, इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, अगेन यही रिसोर्स वाली बात आ गई। अगर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे तो अपने रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज क्या कर पाएंगे, कर पाएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल लूं तो इंडिया के अंदर जितने भी इक्विपमेंट बनते हैं तो हम सारा का सारा इक्विपमेंट चाइना से इंपोर्ट करके यहाँ असेंबल करते हैं। असेंबल का मतलब जानते हो, पार्ट्स ले आते हैं वहां से और इसको जोड़ जोड़ के यहाँ पे बना देते हैं। कुछ पार्ट्स हमारे इंडिया के होते हैं और बाकी सारा कहाँ से होता है, चाइना से। क्यों भाई चाइना से क्यों खरीद रहे हैं, हमें चाइना वालों से इतना लगाव थोड़ी ना है, सस्ता पड़ रहा है। अब उनके पास ऐसे रिसोर्स ही है, ऐसे उनके पास टेक्नोलॉजी है कि वो सस्ता बना सकते हैं, तो उनका बेनिफिट हो रहा है बेच रहे हैं और हमारा बेनिफिट हो रहा है कि हम खरीद रहे हैं उन चीजों को, ठीक है। तो एक तो इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, प्रोस्पेक्ट्स ग्रोथ, प्रोस्पेक्ट्स मतलब भविष्य में, फ्यूचर के अंदर हमारी कंपनी के आगे जाने के आसार क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। एक तो ये भी फायदा है क्योंकि मैं जब बाहर से डील करूंगा एक कंट्री दो कंट्री, तो हमारे प्रोस्पेक्ट ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट, अगर मैं चाइना से सामान सस्ता लाऊंगा तो बेसिकली मुझे अगर सस्ता सामान पड़ेगा तो मैं आप लोगों को सामान सस्ता ही दूंगा। जब सस्ता दूंगा तो मेरा कॉम्पिटिटर अगर महंगा सामान बेचेगा तो मेरा कॉम्पिटिशन क्या हो जाएगा, वैसे ही खत्म हो जाएगा, सिर्फ मैं रह जाऊंगा एग्जिस्टेंस में। तो यही कहता है इंक्रीज हो जाएगा कॉम्पिटिशन इन डोमेस्टिक मार्केट। इसके बाद इंप्रूव बिजनेस विजन, बिजनेस विजन का मतलब होता है आपका बिजनेस का देखने का नजरिया होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं शकुरपुर के अंदर ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं रानीबाग जाऊंगा, रानीबाग के बाद पीतमपुरा जाऊंगा, तो मेरा विजन बहुत कम है। ऐसे ही मान लो ऑनलाइन क्लास में यूएसए में देने लगू तो मेरा विजन बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, अब यूएसए में दे रहा हूं, एक काम करता हूँ इंग्लैंड में भी देता हूँ, एक काम करता हूँ जापान में भी देता हूँ, तो मेरा विजन क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं नेशनल करूंगा तो मेरा विजन क्या है, बहुत छोटा है, यानी मेरे बिजनेस को ग्रोथ करने का दायरा क्या है, कम है। तो अभी तक हमने क्या देखा इंटरनेशनल बिजनेस में, बताओ। सबसे पहले देखा फीचर,
बेनिफिट, बेनिफिट कितने लोगों को मिलेंगे? दो, या तो नेशन के ऊपर है या फिर फर्म यानी बिजनेसमैन के लिए। बेनिफिट के कितने पॉइंट थे? 6। पहला क्या था? दो कंट्री होगा। दूसरा बेसिस है जिसके अंदर क्या रहेगा, कॉस्ट और रिसोर्स। तीसरा लैंग्वेज, रिस्की। रिस्की कैसे भाई, कैसे रिस्की है? क्योंकि सामान जब लाओगे भेजोगे तो रिस्क है वहां पे इन्वॉल्व, तो इसलिए इसको रिस्की बोला गया। इसके बाद गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कैसे, किस पॉइंट में से गवर्नमेंट का लाइसेंस, लाइसेंस लेना पड़ता है आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। इसके बाद पेमेंट फॉरेन करेंसी, जिस कंट्री के साथ डील करेंगे उसी कंट्री के रूप में हमें उसी कंट्री के करेंसी में पेमेंट को देना पड़ेगा। बेनिफिट, सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज, बताओ भारत के लिए, नेशन के लिए कैसे फॉरेन एक्सचेंज बेनिफिट है? जितना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज होगा उतना ज्यादा हम पावरफुल बनते जाएंगे, किसी को लोन देने के कैपेबल रहेंगे। अगर हमारे ऊपर कर्जा है, आपने देखा होगा भारत के ऊपर बहुत सारा वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया हुआ है, तो उसको पेमेंट भी तो डॉलर में करना है, तो अगर हमारे कंट्री के अंदर डॉलर इकट्ठा होगा तो हम दे देंगे ले भाई इजिली, तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा तो हमारे इंडिया का क्या होगा, पावरफुल बन जाएगा एक तरीके से। मोर एफिशियंट रिसोर्स, बताइए कैसे नेशन का मोर एफिशियंट रिसोर्स हो सकता है? जो रिसोर्स हम तो यूज कर रहे हैं या हमारे लिए यूजलेस है, तो हम क्या करेंगे, उस रिसोर्स को दूसरे कंट्री में बेच के भी पैसे कमा सकते हैं, तो हमारे लिए मोर रिसोर्स है ये। एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, हमें काम मिल सकता है। इंडिया में जितने बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसे क्या होगा, बाहर से काम मिल सकता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया न्यूज़पेपर बेंगलोर के अंदर प्रिंट होता है, सेम इसी तरीके से अकाउंटिंग जो है एक्सचेंजर है वो नोएडा में है, वो सारा काम अकाउंटिंग का करती है बाहर का। इसके बाद इंक्रीज स्टैंडर्ड लिविंग, तो आप जैसे इन्वॉल्व होगे, बाहर के लोगों से कम्युनिकेट करोगे, बाहर के लोगों से बातचीत करोगे, तो आपको लगेगा नहीं यार हमें भी ऐसा करना चाहिए, तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, बढ़ जाएगा। हायर प्रॉफिट, बेसिकली हम बाहर से जब सामान, उसी सामान को खरीदेंगे जिसकी हमें इंडिया के अंदर महंगा पड़ता है, तो प्रॉफिट क्या होगा हमारा उस केस में, ज्यादा होगा, सस्ता सामान खरीदेंगे। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, हम अपने कैपेसिटी का मोर देन मोर यूटिलाइज कर पाएंगे। प्रोस्पेक्टिव ग्रोथ, मतलब फ्यूचर में हमें ग्रोथ के चांसेस क्या होगा, इंक्रीज, इंक्रीज कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट, एंड लास्ट वन इंप्रूव बिजनेस विजन। इसमें से कोई पॉइंट डाउट हो आपको, आपको इसके अंदर लिखना वही पॉइंट है जो मैंने समझाया, बाकी एक बार बुक से आपको रीड करना पड़ेगा। तो हमारे इसके कितने पॉइंट थे, 6, बाकी हमारे 4 और 5, ठीक है, याद रखने। और आप पॉइंट बनाने का तरीका क्या है, आपको क्या करना है इसका, अभी तो देखो अब एग्जाम है तो ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप इन सब के पॉइंट, नेचर के पॉइंट के नहीं लिए, कुछ इस तरीके से वर्ड बना लो जो कि सिर्फ एक वर्ड याद हो और उस वर्ड से आपको पॉइंट याद हो जाए। जैसे कि यहाँ पे टी लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है, एम, तो इसके कुछ कुछ वर्ड्स ले लेते हैं। सपोज करो मैंने इसका ले लिया टी, इसका ले लिया एम, एल, एम जी पी, ठीक है, तो इसका इस तरीके से आप इसको, जैसे कि इंग्लिश में देखा है ना आपने, जंबल वर्ड आते हैं आगे पीछे करके कुछ बन जाता है, तो सेम इस तरीके से बनाओ जो कि अच्छा आपको सिंपल हो जाए। तो मैं कर सकता हूं जैसे कि एल पी जी टी डबल एम एल पी जी, ये मेरे लिए ज्यादा यूज आसान है याद करना, टी डबल एम एल पी जी। टी फोर, आप देखो टी फोर क्या है, टू कंट्री, यानी जब मुझे फीचर याद करना होगा तो मैं क्या याद करूंगा, टी डबल एम एलपीजी। एलपीजी क्यों आप यूज कर सकते हो, आपने सुना होगा एलपीजी, तो टी फोर आपका टू कंट्री, डबल एम, एम फोर क्या है, मोर रिस्की, एक और एम क्या है हमारा आपका, एक एम तो हो गया मोर रिस्की का और एक हो गया मेनी बेसिस का, ठीक है। डबल एम, एल, एल फोर क्या है, लैंग्वेज, पी फोर पेमेंट, और एलपीजी, जी फोर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो इस तरीके से आप मेमोराइज कर सकते हो हर किसी के शॉर्टकी बना के, तो ऐसे ही आप इसका करोगे, ऐसे इसका करोगे तो एग्जाम में कुछ भी नहीं है, आपने बस लिख के आना है अच्छे से। तो अगला हम पॉइंट देखेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस के स्कोप क्या है, स्कोप का मतलब क्या होता है, दायरा, कहां तक किया जा सकता है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा स्कोप। तो एक बार मैं स्कोप लिखता हूं, आप मेरे साथ स्कोप लिखना,